नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रेश टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ Asus ZenFone Max Pro M2 को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है मिलना स्टार्ट हो चुका है। मैं इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैंडसेट निर्माता कंपनी Asus के Asus ZenFone Max Pro M2 के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रोल आउट हो चुका है। Asus ZenFone Max Pro M2 को मिले अपडेट के साथ कई नए फीचर और January 2019 का सिक्योरिटी पैच को रोल आउट किया गया है। मतलब आपको इस अपडेट में काफ़ी नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और आपको January 2019 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। बता दूं कि इस अपडेट को OTA के जरिए रोल आउट किया गया है। ऐसे में सभी यूजर्स तक सभी Max Pro M2 यूजर्स तक अपडेट पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि Asus ने वादा किया था कि जनवरी में ZenFone Max Pro M2 को Android Pie का अपडेट मिल जाएगा, लेकिन आज जनवरी 2019 के महीने का अंतिम दिन है। देखने वाली बात यह होगी आखिर कंपनी हैंडसेट के लिए Android Pie अपडेट को कब तक रोल आउट करती है। Asus इंडिया ने हाल ही में ZenFone Max Pro M2 को दी अपडेट की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा है कि अपडेट ऑप्टिमाइज बैटरी परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट कैमरा इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस समेत कई अन्य फीचर के साथ आ रहा है। अपडेट के बाद हैंडसेट में एडवांस AI सीन डिटेक्शन फीचर जुड़ जाएगा। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच फिक्स के साथ जनवरी 2019 का सिक्योरिटी का पैच दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला, तो नोटिफिकेशन नहीं मिला इस अपडेट का, तो आप अपने सेटिंग में जाकर सिस्टम अपडेट्स में जाकर अपडेट की जांच कर लीजिए, आपको मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कुछ फीचर्स के बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये था वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इतना ही था वीडियो में।